सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ डिनर में चाउमीन। जी हाँ, आप लोग सोचोगे कि यार क्या क्या खाते हैं ये लोग। तो जो फास्ट फूड होते हैं ना, ज़्यादातर शाम के टाइम में ही अच्छे लगते हैं। तो बस इनका जो है मन कर रहा था, और हमारे जो चिंकू भैया हैं, मतलब कि हमारे पड़ोसी, तो उनका भी मन कर रहा था कि दीदी यार चाउमीन बनाओ। तो बस भाई, दोनों की फरमाइश पर आज चाउमीन बन रही है। तो बस यहाँ पर ये चाउमीन बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने बड़ी सी कढ़ाई में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आज चाउमीन बनने वाली है। और यहाँ पर जो है सारी सब्ज़ी मैंने काट करके रख ली है, ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। तो शिमला मिर्च के भाव आप लोग सुनोगे ना तो शॉक्ड हो जाओगे गाइस। सच में मुझे नहीं पता था कि इतनी महंगी शिमला मिर्च आएगी। तो 150 रुपये किलो शिमला मिर्च मिली है। तो भाई बहुत महंगाई होती जा रही है अभी इस टाइम पे, सारी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी है। आपके शहर में शिमला मिर्च के भाव क्या है आप मुझे बताना कमेंट करके। और बस यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने और मंगाई थी इनसे, तो ये चाउमीन मसाले, तो ये दो चाउमीन मसाले मैंने मंगाए हैं। ये तो मुझे लगता है शायद पीली मिर्च है, और ये मसाला है कुछ। और विनेगर घर में ख़त्म हो गया था तो विनेगर भी मैंने मंगा लिया, बाकी सोया सॉस वगैरह सब कुछ है घर में। तो बस चाउमीन बॉईल हो जाए अच्छे से, वेट कर रहे हैं उसका। और चाउमीन तो बहुत जल्दी बन जाती है वैसे भी। सो गाइस, यहाँ पर ये सारी चाउमीन अच्छे से बॉईल हो चुकी है, और ये देखो एक एक चाउमीन हो रही है। ये मैंने चाउमीन के ना टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि बड़ी बड़ी सी ना थोड़ा चलाने में अजीब लगता है, टूट जाती हैं कभी कभी। तो मैंने इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इसके, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसका सारा जो भी स्टार्च था वो भी मैंने निकाल दिया है 4-5 बार पानी से धो करके। तो अब ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है, चिकनी टाइप, ठीक है। और यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है बढ़िया से। सारी वेजीज कट कर ली थी, ये हरी मिर्च भी मैंने कट कर ली है थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने ये सारी सब्जियाँ डाल दी हैं, अब ये इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है विनेगर। तो आज चाउमीन जो है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, मतलब एक पूरा पैकेट आता है तो वही पूरा पैकेट बना रही हूँ। और यहाँ पर सोया सॉस और चिली सॉस, विनेगर सब मैंने डाल दिया। ये है अजीनोमोटो, जो कि चाउमीन में यूज किया जाता है। इसको कुछ लोग जो है साट्री भी बोलते हैं, लेकिन इसको अजीनोमोटो भी बोलते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है, और बस उसके बाद फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें डाला है मैंने ये पीली मिर्च, जो कि चाउमीन में यूज़ की जाती है। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर डाल दूँगी चाउमीन बॉईल की हुई अच्छे से। और मतलब चाउमीन को आप 4-5 बार धो लेना, तब कि उसका सारा स्टार्च निकल जाए, क्योंकि अगर स्टार्च नहीं निकलता तो चिपचिपी हो जाती है फिर वो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है मसाला, और इसके बाद ये डाला है गरम मसाला। और फिर उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना, क्योंकि ना सोया सॉस में और सारे सॉसेज में ज़्यादातर नमक रहता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना, ठीक है। यहाँ पर मैं ये 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, और अब इस सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सो गाइस, यहाँ पर हमारी चाउमीन बन गई है एकदम बेहतरीन सी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी चाउमीन में डाल रही हूँ इसमें अंडा, जी हाँ थोड़ी सी मैं ही डाल रही हूँ, पूरे में नहीं डाल रही। तो बस यहाँ पे ये 2 अंडे लिए हैं मैंने, इसको फेंट करके यहाँ तवे पे ऑयल गर्म हो रहा है, इसके ऊपर डाल दूँगी। इसमें डाला है मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, को मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी चाउमीन बनकर तैयार है अंडे के साथ, जी हाँ चलो। और गाइस बस ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। तो यहाँ पर हम लोग गिफ्ट निकाल रहे हैं, जो कि आज की जो वीडियो है ना गाइस, आज की वीडियो में सारी जो भी माएँ होंगी ना वो आज रोने वाली हैं, क्योंकि शायद ही आप लोगों ने किसी की वीडियो में देखा होगा कि बेबी की खतने हो रही हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हर एक मुसलमान के यहाँ पे जब बेटा पैदा होता है तो उसकी खतने की जाती हैं।
तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट होता है गाइस, इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तो बस यहाँ पर जो है आज हमारा बेबी जो है आज मुसलमान बनने वाला है पक्का। तो यहाँ पर जो आएंगे तो उनके लिए हमने ये गिफ्ट निकाल करके रखा है, उसके साथ में उन्होंने जो है पैसे मांगे थे 1100 रुपये वो निकाल कर रखे और साथ में एक टॉवल भी लगाई है हमने अपनी तरफ से और गिफ्ट भी दिया। तो ये उनका बनता है यार, देखो जो भी हमारे बेबी को मतलब फर्स्ट बार जब फर्स्ट टाइम जब बेबी को टकलू किया था मतलब बार बार अंकल ने, तो उनको भी हम लोगों ने पैसों के साथ में गिफ्ट दिया था और साथ में अभी ये आए हैं तो इनको भी गिफ्ट दे रहे हैं। तो मतलब उनका बनता है और जो भी मालिश वाली आंटी आती हैं उनका भी गिफ्ट बनता है। तो भाई ये एक होता है कि इन लोग का गिफ्ट बनता है और यहाँ पर वो अभी आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और उसके साथ में नाश्ता, वैसे तो वो मना कर रहे थे कि नहीं मैं चाय नाश्ता पानी सब कुछ खा पी कर आया हूँ, खाना खा करके आया हूँ, लेकिन वही है ना कि चाय अकेली देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो नाश्ता भी लगा दिया। और यहाँ पर बातें चल रही हैं बेबी को लाने की, तो बस यहाँ पर अभी नहा धो करके वो सुबह ही रेडी हो गया था क्योंकि उनका टाइमिंग था 11 बजे आने का। तो अभी वो आ चुके हैं और ये हैं वो अंकल जो कि आज बेबी की खतने करेंगे और आज से हमारा जो छोटा बेबी है वो मुसलमान बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा मोमेंट होता है ना कि हाथ पैर कांप जाते हैं इस चीज़ से। तो यहाँ पर वो है अभी आ चुके हैं तो मैं हूँ अंदर। सो गाइस यहाँ पर आज हमारे छोटे बेबी की खतने हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जो है मम्मी एक पैर पे खड़ी हुई हैं और उनके पैर कांप रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ही बेबी की आवाज़ आई है ना वैसे ही हुरैन भी बोलने लगी आ जाओ आ जाओ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, अभी भी मैं इस वीडियो को देख रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वीडियो को देख करके। और शायद ही आप लोगों ने किसी की वीडियो में ये सब देखा होगा लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बस यहाँ पर उसकी खतने हो गई हैं तो मम्मी जो है हाथ में जलेबी पकड़ के खड़ी हुई हैं क्योंकि जलेबी के ऊपर फातिहा जलाई जाती है, उन्होंने ऐसा बताया हमें तो वैसे ही हम लोग करते गए हैं। सो गाइस खतने हो चुकी हैं कंप्लीट, तो बेबी अब जा चुका है अपनी मम्मा के पास और बस अभी नौछावर की बारी आ जाती है। तो मतलब नौछावर करके इनको दिए जाते हैं, इनका ही बनता है वो, तो बेबी को ऊपर नौछावर करके हम लोग इनको देंगे। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं तो वो लोग वो जो है बोल रहे हैं कि चौकी के ऊपर रख दो सारा सामान फिर मैं उठा लूँगा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने चौकी के ऊपर ही रख दिया है तो यहाँ से वो ले लेंगे। तो बेबी को तो अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसको देखकर, मैं आ गई हूँ तो अभी वो फीड कर रहा है। देखो चार तरफ से ना कॉटन ले लेना और बासी पानी लेना, चार फ्रिज में रख देना पानी है ना, तो ठंडे पानी से ना चार तरफ से ना ऐसे ऊपर ऊपर से रात की सफा कर देना, अपना जो है।
मतलब थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। सीख दे रहे हैं ना, पूछ लो पहले उनसे खाना खा रहे हैं। पहुंच रहा हूँ, जोर दे दी। सो गाइस, आज हमारे छोटे बेबी की जो है खतने खतने हो गई हैं और अब वो पक्का मुसलमान बन गया है ना। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे होती है और सभी मुसलमानों के यहाँ पे ही होती है। सो बस इस चीज़ से भी हम लोग फारिग हो गए। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे चीज़ें चल रही थी घर में, लेकिन फाइनली आज उसकी खतने भी हो गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तो ये भी हमने आज पूरा कर दिया है। सो बस अभी सोच रहे हैं, अभी तो बेबी है अपनी मम्मा के पास, फीड वगैरह कर रहा है वो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है, हर एक इंसान को तकलीफ़ होती है। मम्मी भी रो रही, मैं भी रो रही और साथ में साहिन भाभी भी रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। बस अभी धीरे धीरे करके जो है ठीक हो ही जाएगा वो, और अभी तो खैर बच्चा है, वो छोटा है, उसको दर्द हो रहा होगा, तकलीफ़ हो रही होगी, कुछ दिन रहेगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज मैं सोच रही हूँ कि हुरैन का भी थोड़ा सा बाल वाल कट करा दूँ, इसके इसको टकलू करा दूँ। बहुत दिन से मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं इसको टकलू करा दूँ, क्योंकि ये चोटी वगैरह करवाती नहीं है, बाल इसके हो रहे हैं थोड़े से बड़े, और ना ही ये ऑयलिंग वगैरह करवाए, भागती है हर चीज़ पर। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी इसकी जो है ना, मैं सोचती हूँ कि एक चोटी बन जाए या दो चोटी बन जाए, तो वो चोटी बनने लायक भी नहीं है। इसलिए सोच रही हूँ अभी ये छोटी भी है तो इसको टकलू करा देती हूँ, फिर बड़ी हो जाएगी तो फिर ये खुद ही नहीं कराया करेगी, बोलेगी कि मेरे मुझे टकलू वगैरह नहीं होना। तो इसलिए सोच रही हूँ कि इसके बाल भी आज मैं उड़वा देती हूँ। तो बस यही चल रहा है अभी, और अभी मम्मी, बॉय भाई सब भाभी के पास में ही है, मैं भी अभी वहीं से ही आई हूँ। तो भाई मतलब बच्चे को पकड़ने के लिए जो है ना 2 पर्सन चाहिए होते हैं, मतलब ये लेडीज़ नहीं कर सकती है ये काम, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं। भाई इनमें इतना जिक्रा दिया है अल्लाह ताला ने कि ये सब कुछ झेल सकते हैं। लेडीज़ तो क्या है, सारी चीज़ें खून वून देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तो इसलिए जो है ना अल्लाह ताला ने आदमियों में इतनी ज़्यादा हिम्मत दी है ना, ताकत दी है कि वो सारी चीज़ें सहन कर लेते हैं। तो इन्होंने ही पकड़ा था उसको, छोटू को, और इसी तरह से बस अभी हो गई है। बॉय भाई और ये दोनों ही पकड़े थे, पापा के पापा ने नहीं पकड़ा, पापा नहीं पकड़े, तीनों पकड़े। हाँ, तीनों पकड़े। अच्छा, लो जैकी भाई भी बोल रहे थे आने की, क्योंकि वो चले गए थे अपने काम पे, तो जैकी भाई बोल रहे थे कि मैं भी अभी आ रहा हूँ, और तब तक उसकी खतने हो ही गई, क्योंकि वो हो गए लेट थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से निकलने में भी थोड़ा टाइम ही लग जाता है, तो इसलिए लेट हो गए वो। और बस अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो गया है। कि तुम छोड़ने जा रहे हो क्या? तो बॉय भाई जो आए थे वो उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और साथ ही में वो तिगरा भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे MR की बोट है, सारे MR वहाँ पे इकट्ठे होंगे, तो वहीं पे वो जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। और अब चलते हैं बेबी के पास, देखते हैं उसको क्या हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने हुरैन को नहला धुला दिया था, वैसे सोच रही थी टकलू कराने के, लेकिन उनसे वो इतना ज़्यादा डर रही थी ना अंकल से, तो उसने करा ही नहीं। और यहाँ पर ये दो चोटी में इतनी ज़्यादा क्यूट लगती है ना हुरैन, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है दो चोटी में, लेकिन वो करवाती नहीं। बड़ी ही मुश्किल से मैंने उसको नहला धुला कर अभी रेडी किया, चोटी की है। और अभी ये शाम का टाइम हो गया, जबकि भाई अपने काम से लौट कर आए थे, और यहाँ पर हुरैन मामू के साथ में मस्ती कर रही है।
तो इसकी मस्जिद तो इसी तरह से चलती रहेगी। तो एक बार हुरैन को देख करके माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो चलेगा इस वीडियो का एंड मैं यही कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, नए वीडियो के साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। तो चलिएगा, अल्लाह हाफिज़।